गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब। ये हम आज बैठे हैं, मैं तहसीलदार किश्तवाड़ और नायब तहसीलदार किश्तवाड़। यहाँ पे हम लोगों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं और लोगों को कुछ एक अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी सर्विसेज हैं, रेवेन्यू सर्विसेज, सब के सब सर्विसेज ऑनलाइन हैं। लोगों को ऑनलाइन सर्विस के लिए अप्लाई करना है और विद इन PSGN जो भी टाइम लिमिट्स हैं उसकी, उनसे पहले पहले सब सर्विसेज उनको अपने पोर्टल पे मिल जाएंगी। उनको हमारे ऑफिस में आने की या कुछ कहने की या किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको बस अप्लाई करना है ऑनलाइन और उनको घर बैठे बैठे हर सर्विस ऑनलाइन मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि लोगों को पब्लिक सर्विस डिलीवरी घर बैठे बैठे मिले, वो कहीं भी किसी भी ऑफिस में घूमने की ज़रूरत नहीं है और विद इन टाइम लिमिट उनको मिलेगी। वो अगर टाइम लिमिट में नहीं मिलती है तो वो उसका पूरा लेके अपील कर सकते हैं, जिसके तहत जो भी ऑफिशियल गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेन रीज़न हमारा यहाँ पे आज बैठने का और बोलने का, आप सबसे बातचीत करने का, ये है कि बाहर एक फेक न्यूज़ मैसेजेस या एक पब्लिक में एक बात चल रही है कि तहसील ऑफिस से फ़र्द इशू नहीं हो रहे हैं। ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। फ़र्द की हमारी टाइमलाइन 10 डेज़ की है और विद इन 10 डेज़ हर फ़र्द को डिस्पोज किया जाता है। फ़र्द की कुछ बेसिकली हमें यहाँ बताने की ज़रूरत ये है लोगों की, फ़र्द की फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं, ताकि सब पब्लिक अवेयर रहे, ज़्यादा उनको एक मिसकंसेप्शन ना रहे। सबसे पहली चीज़, फ़र्द के लिए एप्लीकेंट ऑनर होना चाहिए और कल्टीवेशन उसकी होनी चाहिए एज़ पर रिकॉर्ड और एज़ पर स्पॉट। सेकेंड, जिस खसरा नंबर में भी वो अपना एलिनेट या किसी भी तरीके से मॉर्गेज करना चाहते हैं, जितना हर खसरा नंबर में जितना उनका शेयर बनता है उसी के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे और उसी के लिए उनको वो मिलेगा। थर्ड चीज़, जितने भी ओनर्स हैं रिकॉर्ड में उनके साथ, अगर वो को-शेयरर्स हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में कोई ज़रूरत नहीं कंसेंट की, लेकिन अगर को-शेयरर्स हैं ओनर्स ओनरशिप कॉलम में आपके साथ, तो उन जितने भी को-शेयरर्स हैं उन सबका कंसेंट चाहिए कि ये हमारे को-शेयर हैं, ये ज़मीन को एलिनेट कर रहे हैं और हमें इनसे कोई एतराज़ नहीं है। कंसेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि कभी भी आपकी को-शेयर के साथ कभी कोई लिटिगेशन ना हो और कल फ्यूचर में भी कोई लिटिगेशन ना जाए और पीसफुल चलता रहे। अगर कंसेंट नहीं है और आपके पास प्राइवेट पार्टीशन है को-शेयरर्स की, तो प्राइवेट पार्टीशन के साथ भी हम इसको चला सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि को-शेयरर्स की आपस में कोई भी उस स्पॉट को लेके या कस्टमर को लेके कोई भी एतराज़ ना है। थर्ड पॉइंट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड की फ्रेगमेंटेशन जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 133A(1) के अंदर प्रोहिबिटेड है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड मतलब कि अगर आप एक एग्रीकल्चर लैंड को छोटे छोटे प्लॉट्स करके उसको एलिनेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी चेंज ऑफ लैंड यूज़ की। विदाउट परमिशन आप उसको फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एलिनेशन ऑफ वो जो है इलीगल चेंज ऑफ लैंड यूज़ में आता है एंड दैट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। तो फ्रेगमेंटेशन के लिए भी बहुत से हम उसको रिजेक्ट करते हैं फर्द को। थर्ड, जियो टैग फोटोग्राफ्स। बेचने वाला, खरीदने वाला, जितनी पार्टीज हैं उन सबकी जियो टैग फोटोग्राफ स्पॉट पे चाहिए, ताकि कल को खरीदने वाले या बेचने वाले में आपस में ये डिस्प्यूट ना हो कि मैंने लैंड कहाँ दी है, कहाँ खरीदी है। तो पर्सनली कोई भी डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए। और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे आप, और ये फॉर्मेलिटीज सब रूल्स में है, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे आपका फर्द विद इन 10 डेज डिस्पोज होगा ही होगा। विद इन 10 डेज आपको मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से रेवेन्यू, आप जब अप्लाई करेंगे रेवेन्यू स्टाफ खुद आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट करेगा, आपके फ़ोन नंबर से आपके स्पॉट पे आके वेरीफाई करेगा और विद इन 10 डेज आपको घर बैठे बैठे फ़र्द मिल जाएगा। तो इसलिए आप सबसे यही दरख्वास्त है, जो ये पब्लिक में फेक न्यूज़ या फेक मैसेजेस जो सर्कुलेट हो रहे हैं उस पर विश्वास ना करें। आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, फॉर्मेलिटीज़ जो हैं अंडर रूल जो पूरी करनी है, और पूरी करते ही विद इन 10 डेज, 10 के 11 डेज नहीं होंगे कहीं भी, विद इन 10 डेज आपको घर बैठे ही आपकी फ़र्द की एप्लीकेशन पूरे मिल जाएगी। तो प्लीज़ फेक न्यूज़ में ना आए और फेक मैसेजेस में या सर्कुलेशन में किसी को बिलीव ना करें, पर प्रॉपर तरीके से अपना पोर्टल पे अप्लाई करें, उसमें आपको डिस्कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।